हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। और अभी आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11:08 हो चुके हैं और मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस मैं अब अभी जस्ट साफ सफाई कर रही थी, मैं बस आंचल का रूम साफ क्लीन करने के बाद, अब आंचल का बेडिंग वगैरह करने के बाद, बिस्तर बाहर डालने के बाद अपना बेडिंग वगैरह कर रही थी। तो अभी मेरी साफ सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और बस अब थोड़ा सा किचन में साफ करना रहता है और झाड़ू मारना रहता है नीचे। एक बार तो मैंने मार दिया था, पर फिर भी बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद फिर से कूड़ा आ गया था। तो बस इसके बाद करती हूँ मैं किचन की सफाई और फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो यहाँ देखो आप, आंचल ने तो वॉल इतनी अच्छी सजा रखी है और ये आंचल की बेडिंग वगैरह। आंचल की ये वाली विंडो मैंने इसलिए खोली होती है दिन में, क्योंकि दिन में ना बाहर वाले रूम में काफ़ी अच्छी, ये देखो बाहर वाले रूम से काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। और यहाँ पे ना अगर ये विंडो ना खुले ना तो लाइट ही जलानी पड़ती है, अदरवाइज बिना लाइट के देखो इतना अंधेरा है यहाँ पे। फिर इससे उजाला हो जाता है ताकि स्मेल भी यहाँ से बाहर जाए। इस रूम में थोड़ा सा स्लैब आता है इस वजह से। तो बस अब ये आंचल का रूम हो गया क्लीन, अपना भी मैंने बेडिंग वगैरह कर लिया प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से। अब मैं झाड़ू वगैरह मार देती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी किचन का भी साफ़ सफाई करने का, मुझे बर्तन वगैरह धोने का थोड़े बहुत, तो ये मैं कर लूँगी। अभी पहले मैं यहाँ साफ़ सफाई करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरा ये देखो यहाँ पे भी मैंने अपना ड्रेसिंग पूरा कर दिया है। तो बस अब इसके बाद इसको क्लीन करते हैं, तब आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और किचन में मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। किचन में पोछा मारना रहता है, लेकिन उससे पहले आज एक चीज़ मैं बता दूँ, आज स्पेशल कुछ ये भी है कि मेरे पास आज दिन में ना गेस्ट आने वाले हैं। कौन गेस्ट आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं वो आपको पता लग जाएगा। वो तीन दिन के लिए आ रहे हैं, शाम को उन्होंने अपने घर जाना है। तो मुश्किल ये है कि 11:30 हो चुके हैं और शायद 12:30 बजे के करीब वो शायद पहुँच भी जाएंगे। तो मैंने ना अभी लंच कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो एक तो मुझे सडनली पता चला कि वो आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे मिलना है एंड ऑल। तो अब मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। सबसे जल्दी जो बनती है अब तो मलका ही बन सकती है, और मैं क्या ही बना सकती हूँ उनके लिए, क्योंकि अभी क्या है ना, आज सब्जी वाली शॉप्स भी ऊपर बंद है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मलका ही बना देती हूँ, क्या करती हूँ। अगर तो ऐसा होता मेरे पास ऑप्शन होता या मुझे पहले पता होता तो डेफिनेटली कुछ अच्छा बनाती। तो फिर भी मैं देखूँगी जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि आज तो सब्जियों की शॉप भी बंद है यहाँ पे, पता नहीं क्यों बंद है, कब तक खुलेगी, उनका कब तक वेट करूँ। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऊपर मार्केट तक गई थी तो सब्जियों की शॉप सारी बंद है। तो अब सब्जियाँ तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल ही बना देती हूँ। कौन आ रहे हैं, कौन गेस्ट आ रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, ये जानने के लिए आपको व्लॉग में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। तो बस अब देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने सोच लिया मैं क्या बनाऊंगी। मैंने राजमा की दाल चढ़ा दी है और पकी जाएगी, तब तक कोई बात नहीं, राजमा बनाती हूँ फिर, राजमा फुलके चावल। क्योंकि पहाड़ों में तो या तो चिकन बनाते हैं, या मटन बनाते हैं, या राजमा खिलाते हैं, ये तीन ज़्यादा स्पेशल होती है, या पनीर, मटर पनीर या पनीर हो गया। तो अभी पनीर वगैरह तो मैं ला नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी शॉप्स वगैरह खुली नहीं है। तो मैंने सोचा कि राजमा ही डाल देती हूँ और फिर राजमा जब तक पकेगी तब तक मैं तड़का तैयार करके रखती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से मैं खाना खुना बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी है और बाकी जैसी जब दाल पकती है फिर मैं लंच की तैयारी। तो 12 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट रह गए, शायद 5 मिनट रह गए। दाल मेरी पक रही है, अभी मैं सोची हूँ यार, देखती हूँ ऊपर जाके, देखती हूँ अगर शॉप वगैरह खुली होगी तो सैलेड वगैरह तो ला लेती हूँ। अब कोई फर्स्ट टाइम आपके घर आ रहा है और अब उसको अच्छे से, उसकी रिस्पेक्ट ना करो, अच्छे से उसको खिलाओ पिलाओ ना, तो क्या ही फ़ायदा। तो वो भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, तो कौन आ रहे हो आपको पता लग जाएगा। तो स्पेशल ही होता है वो गेस्ट जो फर्स्ट टाइम आते हैं, और मेहमान वैसे भी भगवान समान होता है। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं ऊपर तक जाती हूँ, देखती हूँ सैलेड वगैरह लाती हूँ कुछ। ऐसी तेज़ धूप लगी है और भाई साहब जाना ही पड़ेगा, पर इतनी तेज़ धूप में भी क्या करूँ। पहले मैं सोच रही थी छाता छूता लाने का, मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही चल पड़ती हूँ ऊपर की ओर, और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आटा भी गूंदना है। तो चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, धूप इतनी तेज़ पड़ी है ना भाई साहब, पूछो मत, धूप का तो कुछ ही नहीं कह सकते, पर जाना तो पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं।
तो भाई यहाँ वाली शॉप भी बंद है और अब मुझे यहाँ से भी ऊपर जाना पड़ेगा यार। अगर ऊपर भी बंद हुई ना तो क्या ही करूँगी। और ये चढ़ाइयाँ देख रहे हो आप यार, लो ये वाली सब्जी की शॉप तो बंद है। तो देखते हैं ऊपर की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ देखो मैंने अंकल से सामान पैक करवा दिया सब्जी वाले अंकल से, और अब ले चलते हैं इसको क्योंकि नीचे भी मैंने खुला ही रखा है सब कुछ। तो अब ले चलते हैं सामान को अपने। ये मैंने पैक करवा दिया थोड़ा सा सामान गेस्टों के लायक, बाकी तो दिन में शाम के टाइम आंचल ला। फाइनली अभी ना मुझे शॉप मिल गई थी और शॉप से मैंने सामान ले लिया है यहाँ सब्जी वाले भी अंकल से, और बाकी सारा सामान आंचल ला लेगी। ये मैंने थोड़ा सिर्फ गेस्टों के लिए सामान लाया, और अब चलते हैं रूम की ओर पटक से ताकि जल्दी से मैं आटा वगैरह भी गूंथूँ। अभी आटा भी गूंथने को है, मुझे बहुत सारे काम करने को है, तो फटाफट से कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखो वापसी पहुँच गई हूँ मैं। मैंने ये कपड़े डाले हैं बाहर, और भाई देखो बंद भी नहीं किया था, ऐसे ही रखा था यहाँ पे, खुला ही 5 मिनट तो मैंने सारे लगाए। तो बस अब मैं पहुँची हूँ रूम के अंदर। गाइस मैं ना थोड़े से सैलेड वगैरह लेके आई थी ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं थे, और आंचल ने ना लेट आना है तो जब तक वो आएगी तब तक तो यार फिर मैंने सोचा सैलेड वगैरह ला लेती हूँ। और सैलेड मैंने ले लिए हैं, और खीरा नींबू मिर्च यही होता है हमारे सैलेड में। तो बस सैलेड अभी ले लिए हैं, बस अब मैं आटा गूंथती हूँ। और ये देखो मैंने दाल टमाटर प्याज मैंने काट दिए हैं, बस मैं आटा निकालती हूँ, आटा गूंथती हूँ, फिर मैं फुलके बनाऊंगी। फुलके बनाने के बाद चावल चढ़ा दूंगी, फिर जाके एंड में तड़का लगाऊंगी ताकि अच्छे से मेरी दाल भी पक जाए तब तक, और जब तक मैं आटा गूंथती हूँ। पहले आटा गूंथ लेती हूँ, तब तक फटक से जल्दी जल्दी से काम करते हैं फिर आपसे। तो ये देखो मैंने आटा निकाल दिया है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ, और पहले आटा गूंथ लेते हैं फिर करते हैं बाकी चीज़ें। मेरा आटा गूंद के तैयार हो गया है, बस मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखती हूँ कुछ देर के लिए, फिर ये अच्छे से सहज जाएगा। और इसको ढक देते हैं, इस तरह से रख देते हैं यहाँ पे, और साथ में मैं धो लेती हूँ ये। ये देखो यहाँ पे पारुल बैठी है, और इतने दिनों से आप सुन रहे हैं कि पारुल जा रही है, पारुल जा रही है, पारुल रूम खाली कर रही है। तो आज फाइनली इसने भी अपना सामान फोन पैक कर दिया है, लंच के बाद तक ये भी चले जाएगी। और ये देखो अभी ये बैठी है और मैं बना रही हूँ लंच, और हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा कौन आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल पारुल आई है, और बस अभी ये बैठी है, मैं थोड़ा बहुत क्या कहते थोड़ा बहुत कर लेती हूँ काम। और आपको ये धुआं दिख रहा होगा, आप सोचोगे क्या धुआं जलाया हुआ। अंदर वाले रूम में ना थोड़ी सी स्लाब की स्मेल आती है, इसलिए ये धुआं धूप हमने जलाया है यहाँ पे, ताकि स्लाब की स्मेल भी अंदर वाले रूम से भी चले जाए, बाहर वाले रूम में थोड़ी सी खुशबू फैल जाए, इसलिए ये धूप जलाया है। वैसे तो रूम फ्रेशनर होता है इसके लिए मैं जानती हूँ, लेकिन फिर अभी अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि दिन में ना ये खुला होता है, तो फिर कई बार आ ही जाती है, फिर उस वजह से मैंने ये धूप जलाई है ताकि ऐसा ना लगे कि कई बार होता है ना स्मेल, आपकी स्मेल आती है तो फिर गेस्ट को भी अजीब सा ही लगेगा। सब मैंने दाल निकाल दी है, 1 घंटा हो गया वैसे तो दाल को, देखते हैं पहले दाल पकी है कि नहीं। अगर दाल पक गई है तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, फिर उसको उबालने के लिए रखूंगी, उसके बाद फुलके चावल लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे गेस्ट को आने में भी टाइम है। तो देखते हैं दाल का क्या हाल है, पकी है या नहीं पकी है। चलते हैं अंदर की ओर, किचन की ओर, फिर किचन में देखते हैं क्या हाल चाल है दाल के। तो बस लाइट मैंने जला दी, वैसे खिड़की भी खुली थी, पर देखते हैं क्या है ज़रा दाल का रिस्पांस। दाल को पहले ठंडा कर लेती हूँ मैं, फिर जाके आगे बाकी चीज़ें करती हूँ। दाल में तो अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है क्योंकि मैंने अभी चेक किया था, तो पहले इसको पका लेती हूँ। तो तब तक मैं भी चावल चढ़ा देती हूँ जब तक दाल पकती है। तो गाइस आप देख सकते हैं एक साइड मैंने चावल लगा दिए, एक साइड मैं बस दाल पका रही हूँ। दाल पक जाए ना फिर इसमें मैं तड़का भी मार दूंगी, और फिर रहते हैं मेरे बस फुलके बनाने को। मैं सोचूँ जब तक फुलके बन जाते हैं तब तक मैं अपना सैलेड वगैरह बिल्कुल तैयार रखती हूँ, ताकि फिर बाद में सर्व करने को यह है कि मैं सैलेड बाद में ही काटूंगी, बस चावल तो पक जाएंगे,
बस दाल पक जाए मेरी पास, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, तब जाके फुलके बनाऊंगी साथ साथ में, क्योंकि अभी तो दोनों गैस काम पे हैं, तो बस इनको बनने देती हूँ। दाल ऑलमोस्ट सीटी आ ही गई है। मेरी दाल थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि पकती भी थोड़ी सी रहती है, हल्की सी, अच्छे से नहीं पकी थी ना, तो अच्छे से पकना ज़रूरी है, नहीं तो बनेगी भी नहीं अच्छे से। तो बस मैं इसको पकाती हूँ, तब तक तो मेरी दाल भी अच्छे से पक गई है। मैं इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ, और तब तक मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है, और फटक से अब तड़का वगैरह मार देती हूँ ताकि मेरी दाल बन जाए। उसके बाद मेरे पास फिर फुलके ही होते हैं, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, ये देखो अब इसको कूटती हूँ थोड़ा। तो गाइस 1:24 हो गए हैं, और दाल मेरे तड़का लगा दी है, चावल मैंने बना के ना अभी यहाँ रखे हैं, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ फुलके बनाने थे। तो अपने से तो कोशिश की है कि दाल अच्छी बने, खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी अब पता नहीं, देखते हैं क्या खा के कैसा रिव्यू आता है खाने का। अपने से मैंने पूरे दिल से बनाया है, तो चलिए अभी खाना तो दाल तो हो गए, मैं तब तक चपातियाँ बना देती हूँ जब तक उनका कॉल आएगा। पता चला उनका कॉल आ गया कि वो आ गए, तो चपातियाँ बना देती हूँ फटक से, और फिर बाकी काम करूँगी। तो गाइस 2 बजने को ना 5-10 मिनट है, तो मेरा खाना कंप्लीट है। अब मैं चपातियाँ वगैरह बना के अब मैं ना सफाई वगैरह कर देती हूँ, किचन साफ कर देती हूँ जब तक उन्होंने आना, तो फटक से किचन साफ करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। जल्दी जल्दी अपना गन समेट लेती हूँ किचन का। तो गाइस मेरे गेस्ट भी आ गए हैं, बस अभी मुझे कॉल आया था, बस मेरी साफ सफाई भी हो गई है किचन की। तो बस अब मैं ना सैलेड वगैरह तैयार रखती हूँ काट के, और उनके लिए तो कुछ ठंडा वगैरह ला लेती हूँ, और इसकी बात इतनी गर्मी में आए तो अब तो कर देती हूँ फटाफट से काम। थैंक गॉड मैंने झाड़ू पहले ही दे दिया था, मतलब झाड़ू तो दे दिया था, फिर भी एक बार ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत करना होता ही है। अब क्या करें, फर्स्ट टाइम गेस्ट आ रहे, इतना तो करना ही पड़ता है। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट क्या, खाना मेरा बिल्कुल रेडी है, और खाना मैंने बना दिया है, फुलके बन गए, और अब हम सैलेड तैयार करते हैं फटाफट से। तो चलिए चलते करते हैं सैलेड तैयार। तो गाइज़ मेरा सैलेड बिल्कुल तैयार हो गया, मुझे सजाना तो नहीं आता है, बस जितना अपने से आया उतना मैंने कर दिया। तो सैलेड तैयार है, खाना तैयार है, बस अब मुझे अपने गेस्ट के इंतज़ार है। और अंकल ने ना शॉप भी बंद कर ली थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ला ली है, स्लाइस जूस, क्योंकि अभी गर्मी से आएंगे तो अभी पानी के बीच रखी है, हमारे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए यहीं रखी। वैसे तो ये फ्रिज में ही रखी थी, पर फिर भी रखी है, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अंकल ना चले गए थे लंच करने, फिर अंकल बहुत लेट आते हैं। तो बस अब मेरा लंच तैयार है, और ये देखो सैलेड भी तैयार है, अब जब गेस्ट आएंगे तो आराम से मैं उनको खाना खिला सकूं। तो गाइस फाइनल कॉल मुझे आ चुका है कि वो लोग आ गए हैं, मेरे गेस्ट कौन है वो आपको मैं बताऊंगी वीडियो में, आपको आगे पता लग जाएगा। तो मेरा लंच वगैरह सब कुछ, मेरी प्रिपरेशन भी बिल्कुल तैयार है, तो चलो देखते हैं। अपने से तो सब कुछ अच्छा कर दिया, होप सो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई लोग आ रहे हैं, तो यार फर्स्ट टाइम गेस्ट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इतना तो करना बनता ही है। तो चलो अब गेस्ट के इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही मैं आप लोगों को उनसे मिला लूँगी। तो बस जैसे ही आएंगे आपको ये भी पता लगेगा कि कौन आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, वेट करते हैं आप। देखो मेरे गेस्ट आ चुके हैं। तो आज के मेरे जो गेस्ट है वो आ गए थे, वो यहाँ पे खाना खा रहे थे। ये है पारुल की मामा और भैया, ये खाना खा रहे थे यहाँ पे। तो मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इन्हीं के लिए की थी, और ये ना फर्स्ट टाइम आए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे ना गाइस, आंटी ने इतना सामान लाया ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सामान है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था। और हमने तो कुछ किया भी नहीं, बस खाना ही तो खिलाया, और ये चीज़ें भी फिर कितनी यादगार रहती है ना यार, फर्स्ट टाइम आना। अब बस खाना खुना खा के हम बैठे थे, सब भैया भी बैठे थे, थोड़ा सा रेस्ट करने को मैंने बोला। यहाँ देखो पारुल भाई एक साथ बात कर रही थी, और मैंने बोला ओहो कैसा लग रहा है। तो बस भैया भी यहाँ पे बैठे थे थोड़ा सा आराम से, और बस आंटी जी गए थे वॉशरूम, तो बस अभी थोड़ी सी हम बातचीत कर रहे थे। भैया बोल रहे थे कि अच्छा क्या कर रहे हो आप, मैंने बोला नहीं नहीं भैया मैं तो वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, फिर भैया हंस रहे थे, तो भैया यहाँ रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा, और आंटी का वेट कर रहे थे। बस अब इन्होंने ना जाना था, क्योंकि इनको जल्दी थी और इन्होंने जल्दी पहुँचना था, और
वापस भी जाना था। और यहाँ पे ना, यहाँ देखो आंटी भी आ गई, तो आंटी बोल रही थी अच्छा क्या है, चलो चलो अब चलते हैं, लेट हो रही है, क्योंकि इन्होंने अभी अपने रिलेटिव के घर भी जाना था, उसके बाद घर भी जाना था, तो इतना सारा सामान लेना। ये फाइनली पारुल की अलविदा हो रही है आज। पारुल, पारुल कैसा लग रहा है तुमको, खुश हो रही हो? खुश मुझे छोड़ के जाके व्लॉग में नहीं दिखेंगे। कोई बात नहीं, देखते रहेंगे। ये देखो मैं आई थी यहाँ पे इनको अलविदा करने, और सब भैया भी जा रहे हैं, आंटी भी, और ये मोटो भी। आज तो मोटो को मिस करेंगे हम बहुत। ठीक है आंटी, बाय। आना बाय भैया, आना पक्का बाय, बीच बीच में आना यार, है ना? हाँ भेजना इसको, बाय। ये अब हमारी पलटून चली गई है। हाँ विलेजर गर्ल, विलेजर गर्ल जी। तो गाइस फाइनली पारुल और उसके भैया, मेरी एक चादर भी सूख गई, पहले चादर ही ला लेती हूँ ऊपर से। पारुल और पारुल की मामा भी चले गए, और आज तो पारुल चले ही है, अब आएगी, पता नहीं बीच में कब आएगी। मैंने यहाँ चादर डाली थी सूख गई है, कब की अगर भी सूख गया है तो ले चलते। तो अभी ये डाले थे मैंने कपड़े, और इनको भी ले चलते, और मैंने और आंचल ने ना अभी खाना भी नहीं खाया है, तो अब हम भी खाना खा लेते हैं। और पता है यार, तो मेरे जो गेस्ट थे वो तो चला गए हैं, और वो इतना सारा सामान लेके गए हैं ना, पूछो मत। इतना सारा सामान ला दे के गए हैं, लस्सी लाई है, और क्या बोलते उसको आंचल, क्या है लस्सी के साथ, घिया लाया हुआ है। तो इतना सारा सामान लाया उन लोगों ने, तो मैं आपको दिखाती हूँ यार। मुझे तो एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि इतना थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया, और सामान इतना सारा लेके आए हमारे लिए। पर अच्छे हैं, काफ़ी टाइम फर्स्ट टाइम आए थे, तो इतना तो बनता ही था मेरा भी करना। तो दिखाती हूँ मैं आपको उन्होंने क्या क्या। ये देखो, ये दूध पाउडर लाया है ताकि हम चाय बना सके, और ये लाए हैं मक्की, अपनी मक्की है उनकी, वो मक्की भी लेके आए हैं। और पता है यहाँ देखो, समोसे लेके आए, और लस्सी लेके आए, और ये देखो एक इतनी बड़ी बॉटल लस्सी लेके आए, घिया लेके आए। तो बस इतना सारा वो सामान लेके आए ना यार, इतना अच्छा लगता है जब, मतलब हम कुछ भी नहीं करते और परे से इतना कुछ करते हैं सामने वाले, तो ये अच्छा लगता है सोच के भी और जान के भी। तो अब मैं और आंचल भी लंच कर लेते हैं, वही सैलेड भी चाह रहे हैं। उन लोगों ने तो इतना कम खाना खाया और इतना थोड़ा खाना खाया, तो चलो अब हम सैलेड कटा हुआ है, और बस अब क्या करते हैं, हम भी खाना खुना खाना शुरू कर लेते हैं। खाना निकालती हूँ मैं, और समोसे भी है साथ में, समोसे भी लाओ, नहीं तो ना ठंडे हो जाएंगे यार, हम कहाँ ही गर्म करेंगे उनको। तो बस सब खाना निकालती हूँ मैं, फिर हम दोनों खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे, फिर अब रेस्ट करेंगे। गाइस इतनी बड़ी बॉटल लेके आए वो लस्सी की आंटी जी, और बस सैलेड भी है हमारे पास, यहाँ समोसे भी है। अब अगर क्या तो खाएं, अभी तो कई बार तो इतना सारा हो जाता है समझ नहीं आता क्या तो खाएं। समोसे हम इसलिए सोचे यार, खराब हो जाएंगे उसके बाद कैसे खा पाएंगे। अभी आंचल लस्सी निकाल रही हो, बड़े टाइम बाद, घर से जब से हम आए तब से लेकर आज हम लस्सी पियेंगे, वाह वाह वाह। तो चलो खाना खाते हैं हम भी। बिना लस्सी के मैं रोटी नहीं खाती थी, है ना, एक टाइम था। तो ये अब हम खाना खाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमारे लिए पसंद आया। ये देखो, तो अब हम खाना खुना खा लेते हैं, और इसके बाद तो हम बस अब रेस्ट वगैरह ही करेंगे, बाकी कुछ काम नहीं है। आज तो शाम के लिए डिनर भी बना है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाने योग्य तो चपातियाँ बना दूंगी, बाकी सब बना है, आटा भी गूंदा हुआ है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, होप सो गाइस आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये थे मेरे स्पेशल गेस्ट पारुल के
मम्मी और भैया एक घड़ी के लिए आए थे बेचारे, इतना सा कुछ, इतना के लिए इतना सा क्या बोलते, इतना सा खाया और इतना सारा सामान लेके आए ना, ये भी फिर इतना लगता है यार। यार हमने तो फिर भी कुछ नहीं किया, पर हमारे साथ हमारे लिए इतना कुछ कर लिया। तो आंटी अब आंचल तो खुश होगी लस्सी देख के, मस्त और ताज़ी लस्सी लाई है। तो होप्स हो गाइज आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए गाइज, जितना ज़्यादा आप प्यार और सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय गाइज।